दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल। और आपको पता है चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हमारा, इसके हमने ऑलरेडी 4 जो पार्ट्स है वो अपलोड कर दिए हैं, और ये लास्ट पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर अभी एग्जाम हमारे पास में है, आप तो पहला ही चैप्टर अभी तक पूरा नहीं किया है। तो गाइस, जल्दी से आपको चैप्टर्स मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो ये पूरा पढ़ा के रखा है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वो आपको दिख जाएगा, जिस जो मैंने राइटिंग पैड का इस्तेमाल करके वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और ये आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, पहले ही मैंने वो पढ़ा चुका हूं, वो आप देख सकते हो, वो आपके काम में आएगा। तो वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है चैप्टर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ चैप्टर तक वन शॉट वीडियो हमारे अपलोड किए गए हैं, वो आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वो आप देख ही सकते हो, बिकॉज वो रिड्यूस है, न्यू सिलेबस के ऊपर है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो आपके लिए अवेलेबल है लेक्चर, ऐसा कुछ नहीं कि अवेलेबल नहीं है। और ये भी जल्दी से, ये जो इंटरेस्टिंग वे में है, ये भी जल्दी से अवेलेबल होंगे, तो आप वो भी उसका फायदा ले सकते हो। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल, मेरी आईडी है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बायो स्टडी विद निखिल नाम से। तो गाइज, ये है अपना जो पार्ट है वो फिफ्थ देखने वाले हैं हम चैप्टर फर्स्ट का। तो इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये टॉपिक है अपना, ओके। उसके बाद हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद हम देखेंगे अपना सीड के बारे में, सीड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद हम एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ओके, पार्थेनोकार्पी, ये सभी प्रोसेस देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अभी आपको बेसिक सा कंसेप्ट मालूम है क्या होता है। एक मेल प्लांट होता है, ओके, या फिर एक ही प्लांट होता है जिसके ऊपर फ्लावर होता है, और फ्लावर के अंदर दो यूनिट होती है, एक होता है मेल यूनिट, सेकंड होता है फीमेल यूनिट, और दोनों के अंदर पोलिनेशन होकर क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और वो आगे जनरेशन को बढ़ाता है। ये है नेचुरल प्रोसेस। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब क्या, कि मैन, खुद लोगों ने करना। आर्टिफिशियल मतलब क्या, लोगों ने करना, इसके अंदर नेचुरल कुछ नहीं होता। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल के टोटल अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल या फिर नेचुरल चीजें यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या होगा सर, और इसका फायदा क्या है, क्यों हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ध्यान में रखना। सो यहाँ पे अपना एक प्लांट है, लेकिन यहाँ पे ये है अपना प्लांट जिसके ऊपर ये स्टिग्मा है, और ये अपने एंथर्स है, ओके, है कि नहीं। तो सीधा सीधा सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद हम सेकंड अपना जो है प्लांट वो ड्रॉ करते हैं। ये अपना है सेकंड प्लांट, ठीक है, तो ये है सेकंड प्लांट, और यहाँ पे ये अपना स्टिग्मा है, ठीक है, और बाजू में ये क्या है, एंथर है, ठीक है, ये है एंथर। तो अभी नेचुरल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ के एंथर यहाँ पे जाते हैं और हमको न्यू फ्रूट बनता है, और ये जो न्यू फ्रूट होता है गाइस, वो कैसा होता है, वो होता है सेम टाइप का, मतलब वो होगा हमारा पिंक, मतलब सेम टाइप के कैरेक्टर। अभी यहाँ पे जो हमारा प्लांट है, इसके जो फल है वो साइज में बड़े होते हैं, और यहाँ पे जो हमारा प्लांट है, इसका जो फल होता है वो मीठा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, मीठा होता है। तो अगर हमको दोनों के कैरेक्टर एक ही प्लांट के ऊपर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ये स्टिग्मा है, और ये इसको सेल्फ पोलिनेशन हमको अवॉइड करना है, तो क्या करते हैं, यहाँ के जो एंथर्स होते हैं गाइस, एंथर इसको रिमूव किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। तो एंथर को अगर रिमूव करेंगे, मतलब क्या होता है कि इसको हमको टोटली यहां से निकालना पड़ेगा, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, सीधा निकाल देंगे। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको निकाल दिया। तो अभी हमारे प्लांट के ऊपर जो है वो एंथर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टिग्मा है। और यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, हम ये रिमूव कर देंगे, और यहाँ से एंथर फिर कहाँ पे आएंगे, नेचुरली हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, ओके, फॉरसेप से, और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो फिर हमको क्या मिल रहा है, ये प्लांट और ये दोनों प्लांट का क्रॉसिंग हो रहा है, और हमको जो नेक्स्ट फिर हमको फ्रूट मिलेगा, वो साइज में भी बड़ा होगा और अंदर से मिठास भी होगा, मतलब दोनों डिजायर्ड कैरेक्टर हमको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। समझ में आएंगे आपको क्या करना है। यहाँ पे हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, तो ये बन गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही मेल या पे एक ही फीमेल यूनिट ही बचा, जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल या फिर गाइनोशियम कहते हैं। और यहाँ पे हमने फीमेल का पार्ट रिमूव कर दिया, यहाँ पे मेल का पार्ट रखा, और ये दोनों का क्रॉस किया आर्टिफिशियली, हमने यहाँ से पोलन ग्रेन्स लिए, यहाँ पे ड्रॉप कर दिए, और ये पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ, और हमको जो न्यू प्लांट का जो सीड मिला या उस वहाँ पे जो फ्रूट लगे वो प्लांट को, तो वो लगे दोनों के कैरेक्टर दिखने वाले, जिसको हम डिजायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। तो ये डिजायर्ड कैरेक्टर मिलने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। तो ये है अपना सिंपल टॉपिक
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डबल फर्टिलाइजेशन। ये इजी भी है, सिंपल भी है, थोड़ा हार्ड भी है, तो वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के नाम में ही आपको, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा है, ये पूरा टॉपिक लास्ट तक मैं जब समझाऊंगा तब आपको पूरा समझ जाएगा कि क्यों डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं थोड़ा बता देता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अंदर दो मेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे, तो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट के अंदर होता है, कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है गाइस, ये होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर्स आते हैं वो होता है फिनोरगैम्स, और फिनोरगैम्स में तो फिर हमारे दो होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनके जो फ्रूट होता है, ऐसा प्लांट जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है और उसके फ्रूट के अंदर सीड होती है, वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फॉर एग्जांपल मैंगो, जिसके मैंगो के अंदर जो फ्रूट के अंदर गुठली होती है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होती है, वो होता है हमारा एंजियोस्पर्म, और उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नाम का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसको किसने सबसे पहले नोटिस किया, तो वो था अपना साइंटिस्ट नावास्चीन नाम का। और कौन से प्लांट के अंदर, लिलियस प्लांट के अंदर। ओके, कौन सा, लिलियस प्लांट। तो ये जो लिलियस प्लांट है, ये यहाँ पे दो दिए गए, उनके अंदर उनको दिखाई दिया डबल फर्टिलाइजेशन। पहला था हमका लिलियम हमारा, दूसरा था अपना फ्रिचेलारिया। ओके, लिलियम एंड फ्रिचेलारिया ये दो प्लांट थे जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया गया, सबसे पहले नावास्चीन ने ढूंढ के निकाला। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हमने ओव्यूल पढ़ा था, है कि नहीं, थोड़ा आप रिवाइज करो अभी। हमने क्या पढ़ा था, ओव्यूल। तो ओव्यूल ऐसा होता है, ओके, यहाँ पे ऊपर में थ्री क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, बीच में दो सिनर्जिड और बीच में एक एग होता है, और सबसे बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा था ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसा स्टिग्मा रहेगा और ये अपना है ओव्यूल। ठीक है, समझ में आ गया, ये रहेगा अपना ओव्यूल। तो फिर जब पोलन ग्रेन्स आएंगे गाइस, तो यहां से आएंगे वो स्टिग्मा पे और स्टिग्मा से अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये ओव्यूल है, ठीक है, तो ये क्या है अपना, ये है ओव्यूल। ओके, ये क्या है अपना पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनेगा, दो मेल गैमेट, है कि नहीं, और ट्यूब न्यूक्लियस। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखा, तो वहां पे क्या बना था, दो ट्यूब, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट, और दो मेल गैमेट कैसे थे, हेप्लोइड, हेप्लोइड मेल गैमेट बने थे। ठीक है, और वो अंदर आता है। तो फिर यहाँ पे जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल की साइड हमने देखी थी, ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं, चलाजल साइड, नीचे वाली साइड को माइक्रोपिलर साइड कहते हैं। ओके, दो साइड आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ऊपर वाली चलाजल साइड, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चलाजल साइड, और ये जो नीचे वाली होती है ये होती है माइक्रोपिलर। ओके, सो माइक्रोपिलर साइड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइक्रोपिलर साइड। तो अभी आपको यहाँ पे समझना है, दो साइड है। तो अभी यहाँ पे जब जर्मिनेशन होगा तो मेल गैमेट यहाँ से आएंगे ट्यूब बना के, है कि नहीं। तो फिर अगर ऊपर से मेल गैमेट एंटर हुआ है यहाँ से, मतलब ये कौन सी साइड है, ऊपर वाली चलाजल साइड, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, चलाजोगैमी। ओके, चलाजोगैमी कहेंगे, समझ में आ गया। जब मेल गैमेट, हेप्लॉइड मेल गैमेट चलाजल साइड से ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर जाएंगे, तो उसको चलाजोगैमी कहेंगे। अगर वो माइक्रोपिलर से आएंगे तो क्या कहेंगे उसको, बताओ जल्दी से, इसको क्या कहेंगे हम, पोरोगैमी। क्या कहेंगे गाइस, पोरोगैमी, ध्यान में रखना, पोरोगैमी, अगर वो माइक्रोपिलर से इंटर होता है। तो अभी ये ऊपर की चलाजल, नीचे की माइक्रोपिलर, ये दोनों के बीच में से अगर इंटर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेजोगैमी। क्या कहते हैं उसको, मेजोगैमी कहते हैं, समझ में आएगा। ये थ्री इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद और एक होता है कि जो यहाँ पे ट्यूब जो है, ये ट्यूब बनाता है और ट्यूब बना के बाद एंटर होता है, तो उसको हम सिफेनोगैमी कहते हैं, सिफेनोगैमी। ठीक है, सिफेनोगैमी। सो अभी आपको एक समझ में आ गया कि यहाँ पे एक ट्यूब बना के मेल जो गैमेट्स होते हैं वो अपने ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं, उसको हम सिफेनोगैमी कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा हो गया है। तो अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और जो मेल गैमेट्स एंटर होते हैं ओव्यूल के अंदर, उसके जो प्रोसेसेस है उसके नाम आपको पता चल गए हैं। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज देखो, सो जब हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था वहाँ पे दो हेप्लॉइड गैमेट्स बने थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे दो हेप्लॉइड मेल गैमेट हम जिसको कहेंगे, तो ये क्या है, दो हेप्लॉइड मेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स क्या होता है, ये दो मेल गैमेट्स थे और एक था ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस का आपको कोई टेंशन लेना है, आपके पास है दो हेप्लॉइड गैमेट्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये होता है अपना ओव्यूल, है कि नहीं। तो ये है ओव्यूल, ऊपर में थ्री सेल्स है जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस जहां पे दो न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं,
और ये यहाँ पे बीच में एक और इसके बाजू में दो होते हैं सिनर्जिड्स, जो कि आपको पता है पहले पार्ट अगर आप देखे हुए तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो एक मेल गैमेट होता है ना गाइज, वो फ्यूज होता है एक के साथ, एक के साथ। तो एक कौन सा है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ। तो ये जो है ना, ये है अपना एग, और ये जो है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जिसको पता नहीं है वो ध्यान में रख लो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है ये कैसा है, हैप्लोइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये फर्स्ट हैप्लोइड गैमेट फ्यूज होता है गाइस एक के साथ, ओके। तो ये इसने ये फ्यूज हुआ एक के साथ और क्या बनाता है वो बनाता है जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट, ओके। तो उसने क्या बना दिया? जायगोट बना दिया। एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एक के साथ, ओके। सो वन मेल गैमेट प्लस एक क्या हो गया? जायगोट बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एक क्या है? फीमेल गैमेट। ये गैमेट जो बना था ये अपना, ये मेल गैमेट था, है कि नहीं? उसके साथ साथ ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये सेकंड मेल गैमेट होता है, ये किसके साथ फ्यूज होगा? ये फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके ये क्या बनाएगा? वो बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? ये एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये बनाएगा अपना एंडोस्पर्म और क्या बनाएगा? अपना जायगोट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बना? जायगोट। क्या बना? जायगोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जायगोट। और सेकंड फर्टिलाइजेशन जो हुआ उससे क्या बना? हमारा एंडोस्पर्म। क्या बना? एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंडोस्पर्म। और उसके बाद ये जो जायगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा या फिर हैप्लॉयड होगा, बताओ? सो एक होगा हैप्लॉयड और मेल गैमेट हैप्लॉयड, दोनों हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिला के क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। 10-10 क्रोमोसोम अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जो जायगोट बनेगा उसके अंदर 20 होंगे ना, तो मतलब 2n हो गया, 2n। अभी एंडोस्पर्म जो है वो बताओ आप डिप्लॉयड होगा या फिर हैप्लॉयड होगा? तो आपका आंसर है ना ही डिप्लॉयड होगा ना ही हैप्लॉयड होगा, ये होगा ट्रिप्लॉयड। क्यों ट्रिप्लॉयड? बिकॉज जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है गाइस इसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2n। और जो अपना हैप्लॉयड मेल गैमेट है इसके अंदर हाफ होते हैं, तो ये 2n और ये एक n, मतलब क्या हो जाएगा? 3n। मतलब हम इसको क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉयड कहेंगे। एंडोस्पर्म में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों है? बिकॉज जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड था और ये हैप्लॉयड मेल गैमेट मिला के ट्रिप्लॉयड बन गया और ये एंडोस्पर्म होता है। और जो जायगोट होता है गाइज, वो जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये एंडोस्पर्म का होता है। तो एंडोस्पर्म जायगोट को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हम जिसको फूड कहेंगे, ठीक है। तो वो फूड प्रोवाइड करेगा जायगोट को, वो कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। सो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो एंडोस्पर्म होता है फ्रूट के अंदर जो क्या करता है? सीड को जो है वो जायगोट को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यह है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको सिंपली ध्यान में रखना पड़ेगा यहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होता है हैप्लॉयड मेल गैमेट एंड एग फ्यूज होता है जो जायगोट बनाता है। और ये जो प्रोसेस है गाइज, ओके, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम जिसको कहेंगे, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को दूसरा नाम है। और ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? उसका नाम है सिंगगैमी, ओके। सिंगगैमी कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है? एक हैप्लॉयड मेल गैमेट प्लस एक फ्यूज होता है, दोनों मिलते हैं, उसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसका ही दूसरा नाम है सिंगगैमी। और ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर एक हैप्लॉयड मेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पर ये डिप्लॉयड ये हैप्लॉयड बना के क्या बनते हैं? ट्रिप्लॉयड बनता है, इसलिए हम उसको ट्रिप्लॉयड फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ट्रिपल फ्यूजन और सिंगगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है? सिंगगैमी। और सेकंड फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। सो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मतलब ही होता है सिंगगैमी, सेकंड फर्टिलाइजेशन मतलब होता है ट्रिपल फ्यूजन। सो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है और दो मेल गैमेट से यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। नावा चीनी साइंटिस्ट ने ये फर्स्टली डिस्कवर किया लिलियस प्लांट के अंदर, वो लिलियम एंड फ्रिचुलारी, ये दो प्लांट के अंदर उसने उसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये होता है एम्ब्रियो सैक, आपको पता है। तो फिर यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगा तो ये दो मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का साथ फ्यूज हो जाएगा। एक के साथ फ्यूज होने वाला बनाएगा अपना जायगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने वाला बनाएगा अपना एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है पूरा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता तो एंडोस्पर्म नहीं बनता, और एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जायगोट को। अगर एंडोस्पर्म नहीं बना तो जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसलिए यहां पे
क्या है, अपना सीड जो है उसके साथ साथ जो पेरेंट है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ फूड भी वहां पे रख देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको क्या करते हैं, उनकी जो भी जायदाद होती है वो हमको दे देते प्रॉपर्टी, तो उसी के साथ यहाँ पे भी वैसा है। जो पेरेंट्स है वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ कुछ खाना भी बनाते हैं, वो होता है एंडोस्पर्म वाला खाना। ये एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोस्पर्म नहीं बनता और एंडोस्पर्म से अपना जायगोट को क्या नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता है, फिर नरिश वो नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है वो भी हम देखेंगे। सो यहां पर सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, और सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो ये केस के अंदर खाना बनता है, जायगोट को मिलता है, इसलिए यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड कि ये जो डिप्लॉयड लेवल है, जायगोट डिप्लॉयड होता है ना, तो ये डिप्लॉयड मेंटेन रहता है, बिकॉज ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और हैप्लॉयड और हैप्लॉयड एग और ये हैप्लॉयड मेल गैमेट फ्यूज हुए तब जाके ये डिप्लॉयड बना। ठीक है, तो इसलिए दोनों को फ्यूज होना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों को फ्यूज होना है, इसलिए डिप्लॉयड जो लेवल है वो मेंटेन रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रिप्लॉयड पीईएन है हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये एंडोस्पर्म के पहले वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिर्फ बाद में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, पीईएन, ध्यान में रखना, उसको पीईएन कहते हैं पहले। और ये ट्रिप्लॉयड होता है, मतलब थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम, थ्री एन हम इसको कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपको एंडोस्पर्म के बारे में। और उसके बाद और कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो इसमें पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, अवॉइड होता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है, कि मोर देन टू एम्ब्रियो फॉर्म होना। अभी इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन है तो पहला जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना, जो हैप्लॉयड मेल गैमेट और एग है इससे जायगोट बना है, और इस जायगोट क्या होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर, ध्यान में रखना है, एम्ब्रियो, इस जायगोट की डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए ये पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करता है, पॉली एम्ब्रियोनी होती नहीं है, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मोर देन टू एम्ब्रियोस फॉर्म होना, समझ में आएगा। तो ये सारा होता है अपना डबल फर्टिलाइजेशन है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म हमको पता है डबल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट होता है उसका, और ये डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के थ्री टाइप्स होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियर टाइप, सेकंड होता है सेलुलर टाइप, और थर्ड होता है हेलोबियल टाइप्स। सो ये टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंडोस्पर्म फॉर्म कैसे होता है। सो सबसे पहले होता है पीईएन, मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो होता है डिवाइड, उसके अंदर होता है माइटोसिस, ओके माइटोसिस, और इसलिए आपके किताब में दिया है डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिकली मतलब जिसके अंदर माइटोसिस हुआ है और ये डिवाइड हुआ है, और उससे क्या बनता है, फिर एंडोस्पर्म बनता है। तो पीईएन से एंडोस्पर्म बनता है, ये तीन टाइप का है, पीईएन से एंडोस्पर्म बनने का तीन रास्ता है, तीन टाइप्स है, पहला है न्यूक्लियर टाइप, सेकंड है सेलुलर टाइप, और हेलोबियल टाइप, यही हमको यहाँ पे पढ़ना है। आपको पता है ये एंडोस्पर्म को हम न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहते हैं, जिसके हमने पहले अभी टॉपिक में देखा है। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर टाइप, तो आप गाइज यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपकी जो हार्ड है ना गाइज कंसेप्ट, उसको मुझको आपको ईजी करके बताना है, बस यही मेरा काम है। बाकी आप लाइन टू लाइन भी लेक्चर्स हमारे देख सकते हो, जो कि हमने पावर पॉइंट पे पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में सबसे पहला है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है भाई, अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अपना एंडोस्पर्म बनना है, लेकिन न्यूक्लियर में कैसे बनता है, तो न्यूक्लियर में बनता है डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक लाइन, डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन, और इसको बड़ा करके लिखना है इन न्यूक्लियर। सो आपको यहाँ पे बड़ा कैसा करना है, इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन, समझ में आ गया, इसको बड़ा करके लिखना है मेन। आपको जब आप ध्यान में रखते हो ना कुछ भी, तो आप इजी करके ध्यान में रखो, और जब लिखोगे तो बड़ा करके लिखना, बिकॉज बड़े अगर आप आंसर लिखोगे स्टेट बोर्ड के लिए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अगर आपको नीट एमएससी सीटी अच्छा स्कोर करना है तो कोई बात नहीं, इतना ही आप ध्यान में रख सकते हो, इतना ही लिख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये आपको ईजी भी लगता है, इसको रिवाइज भी ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ स्टेट बोर्ड में अगर मार्क्स ज्यादा चाहिए तो इसको आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो माइटोटिकली डिवाइड होता है कौन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विदाउट वॉल फॉर्मेशन, यहां पे वॉल फॉर्म नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर, यहां पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे कोई भी वॉल फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहां पे कंपैरिजन में देखो, सेलुलर टाइप इधर होता है विद वॉल फॉर्मेशन, तो विद वॉल फॉर्मेशन है, ये शॉर्टकट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन सेलुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड विद वॉल फॉर्मेशन, समझ में आया, तो वो डिवाइड होता है वॉल फॉर्मेशन से, और उसके बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, बिकॉज उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है नहीं, ये तो आपको पता है डिवीजन हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो डिवीजन कैसे हो रहा है उसके ऊपर उसके थ्री टाइप्स है। पहला
विदाउट वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा विद वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, तीसरा हाँ वॉल तो फॉर्म हो रही है लेकिन ट्रांसवर्स खड़ी वाली वॉल जो है वहां पे बन रही है, तो वो है अपना हेलोबियल टाइप। कितना ईजी है, तो सेलुलर टाइप विद वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे वॉल फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे होगी नहीं कि वॉल फॉर्म, तो ये क्या है अपना, तो ये वॉल है, समझ में आया। तो ये जो बाद में बनेगा ये क्या है अपना, ये एंडोस्पर्म, और वॉल फॉर्म करके बना मतलब विद वॉल फॉर्मेशन, समझ में आ गया। और ये 72 फैमिलीज के अंदर पाया जाता है, 72 फैमिलीज। न्यूक्लियर टाइप जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, मतलब सभी मतलब मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पाया जाता है, और ये 161 फैमिलीज के अंदर दिखाई देता है प्लांट्स के। उसके बाद है हेलोबियल, हेलोबियल में अभी देखो, हेलोबियल में ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है। तो फिर यहाँ पे हम इसको बड़ा कैसे करके लिखेंगे, इन हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स, मतलब माइटोसिस मतलब डिवाइड्स ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन विद ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन, मतलब ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो ये क्या है अपना ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन, इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वॉल फॉर्मेशन ऐसा होता है और ट्रांसवर्स होता है ऐसा, ओके, बीच में से, इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन हुआ, देखो यहाँ पे है कि नहीं, और ये ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हुआ और इससे दो सेल बने, एक जो बड़ी वाली ऊपर वाली जिसको हम कहते हैं माइक्रोपिलर सेल मतलब बिगर सेल, और ये छोटी वाली चलाजल सेल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना अच्छा पड़ेगा यहाँ पे कि हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और वो दो सेल बनाता है, उससे दो सेल बनते हैं। एक होता है बड़ा वाला सेल जिसको माइक्रोपिलर सेल कहते हैं, एक छोटा वाला सेल जिसको चलाजल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इजी है आसान है, सिर्फ आपको इसको समझना पड़ेगा, आपका नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। सो इजी है आसान है, सिर्फ आपको नजरिया आपका थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ये तीन टाइप का है, इसका डायग्राम है, ओके। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग डायग्राम है कि नहीं। तो ये सेलुलर की डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये आगे वाले दो ये है हेलोबियल के, और ये जो तीन डायग्राम है गाइस वो है न्यूक्लियर के, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो अब हम देखेंगे अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो जैसे कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, वो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें फॉर्म हुई थी, सबसे पहला था अपना जायगोट और सेकंड था एंडोस्पर्म। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देख लिया कि कैसे एंडोस्पर्म बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अब हम देखेंगे कि अपना जायगोट जो है वो कैसे बनता है, और जायगोट से भी बाद में क्या होता है एम्ब्रियो, क्या बनता है एम्ब्रियो, जायगोट से बाद में क्या बनता है एम्ब्रियो, अभी हम इसकी डेवलपमेंट देखने वाले हैं एम्ब्रियो की। तो आप प्रोसेस ध्यान में रखना, एम्ब्रियोजेनेसिस हम कहते हैं जिस प्रोसेस में जायगोट से एम्ब्रियो बनता है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो समझ में आ गया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्म होना, और एम्ब्रियो कहाँ से फॉर्म होता है, जायगोट से। जायगोट से क्या होता है एम्ब्रियो बनता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको क्या कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ध्यान में रखना। अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको आपकी किताब में दो दिए है, एक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या होता है ये आपको समझाना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी मुझे आप बताओ कि जो सोयाबीन की सीड है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, तो वो जो है वो है डाइकॉट। ऐसे प्लांट जिनकी सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है वो होते हैं डाइकॉट, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो डाइकॉट किसको कहेंगे, ऐसी सीड जो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। दूसरा होता है सिंगल सीड जो दो इसके अंदर डिवाइड नहीं होता, ये जो है वो दो इसके अंदर डिवाइड होता है दो पार्ट के अंदर, सोयाबीन फॉर एग्जाम्पल। सो सोयाबीन क्या है डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट हम जिसको कहेंगे डाइकॉटिलीडॉन, उसको लॉन्ग में ओके शॉर्ट में डाइकॉट कहते हैं। मोनोकॉट फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस जो होता है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होता, ऐसा प्लांट है वो जो कि मोनोकॉट है बिकॉज उसका सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होता। तो समझ में आ गया मोनोकॉट डाइकॉट। तो आपको दोनों भी दिए गए हैं आपकी किताब में, दोनों की भी आपको क्या डायग्राम्स दिए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। तो यहाँ पे मैंने दोनों को भी कंबाइन किया है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मेरा एक काम है कि आपको हार्ड से हार्ड जो कंसेप्ट है वो इजी करके बताना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो देखो जो ऑक्टेंट सेल होते हैं, ऑक्टेंट सेल, ऑक्टेंट स्टेज भी हम जिसको कहते हैं, तो ऑक्टेंट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्टेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज मतलब वो क्या होता है, ऑक्टेंट सेल मतलब एट सेल वाली स्टेज, स्टेज ऐसी स्टेज जहां पे एक सेल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पे ये होता है, यहां से स्टार्ट होता है जायगोट, जायगोट से भी बाद में बनता है दो सेल का एम्ब्रियो, ये दो सेल है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, क्या कहते हैं इसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, दो सेल वाला एम्ब्रियो क्या कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। और प्रो एम्ब्रियो में जो अपर वाली होती है वो होती है सस्पेंशियल इनिशियल, और नीचे वाली होती है वो होती है एम्ब्रियोनल इनिशियल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो होता है, अपर वाली होती है सस्पेंशियल इनिशियल
और नीचे वाली होती है एम्ब्रोयनर इनिशियल, शॉर्टकट में लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, ठीक है। तो ये एम्प्रो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एम्ब्रोयनर इनिशियल है इसके अंदर डिवीजन होता है और ये इसके अंदर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है और ये मैक्सिमम मोर सेल्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म किया। और उसके बाद ये ऑक्टेंट स्टेज आती है जहाँ पे 8 सेल्स बनती है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा भी दिखेंगे आप गिनो मत, यहाँ पे मेरे को आपको समझाना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो ऑक्टेंट स्टेज जो होती है उस स्टेज तक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो सेम होता है, तो इसलिए मैंने यहां तक सेम लिया है। यहां से फिर दो हुआ है, ये जो यहां पे दिखा है वो है डाइकॉट वाला, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, यहां पे दो लिख देता हूं, और ये जो है वो सिंगल मोनोकॉट, ये यहां पे एक और दो, ये जो डायग्राम है मतलब क्या, अगर आपको पूछा कि राइट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, तो आपको यहां से डायग्राम निकालना पड़ेगा पूरा यहां से यहां तक, इसका लिखाना काम नहीं कुछ, ये बिकॉज ये मोनोकॉटल डॉन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। ऑक्टेंट स्टेज तक सिमिलर रहेगा दोनों के अंदर डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पे आपको समझना है, थोड़ा ध्यान में देना है, पूरा आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्या नाम है किसका, कैसा नाम है, यहां पे मैं आपको ओवरव्यू समझाता हूं। तो आठ जो सेल का स्टेज है उस तक जो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो है वो दोनों का डेवलपमेंट सेम होता है, तो इसलिए यहां तक मैंने कॉमन लिया, यहां से हुआ अपना डाइकॉट का अलग, यहां से हुआ मोनोकॉट का अलग, समझ में आ गया। तो डाइकॉट में देखो आगे क्या होता है, सो जो अपर टायर होते हैं फोर सेल्स के, यहां पे जो फोर सेल्स के रहेंगे लोअर, ओके, सो जो लोअर टायर रहेंगे ये फोर सेल के, ओके, सो जो लोअर टायर रहेंगे ये फोर सेल्स के वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे अपना हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, और जो अपर रहेंगे वो क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपर एंड लोअर जो फोर टायर होते हैं सेल्स के वो क्या बनाते हैं, लोअर वाले क्या बनाते हैं रेडिकल एंड हाइपोकॉटिल, अपर वाले बनाते हैं प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन, समझ में आ गया। उसके बाद जो ये देखो हर्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद ये यहाँ पे हॉर्सू शेप बन गया, ओके, ये हॉर्सू शेप होता है, ये हर्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद क्या बन गया, ये अपना एम्ब्रियो बन गया लास्ट में, और ये एम्ब्रियो किससे बना, जाइगोट से बना। तो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये डाइकॉट के अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है, मोनोकॉट के अंदर सीधा है सिंपल, इसके अंदर कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो डाइकॉट के अंदर हर्ट शेप बनता है, उसके बाद हॉर्सू शेप बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद और दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो है एक है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल क्या होता है, कोलेप्टाइल होता है प्रोटेक्टिंग शीथ ऑफ प्लीम्यूल। एक प्लीम्यूल क्या होता है, पार्ट होता है एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो का जो प्रोटेक्टिव शीत रहेगा उसको हम कोलेप्टाइल कहते हैं, कोलेप्टाइल ध्यान में रखना। और दूसरा होता है कोलेरिजा, ओके, कोलेरिजा, तो कोलेरिजा किसको कहेंगे, तो जो शील्ड शेप कॉटिलीडॉन रहेगा। कॉटिलीडॉन मतलब क्या, ये जो है, यहाँ पे मैंने आपको सीड बताया दो पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, दो पार्ट मतलब दो कॉटिलीडॉन, जो दो पार्ट है दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है दो कॉटिलीडॉन का, उसको हम डाइकॉट कहते हैं, मतलब डाइकॉटिलीडॉन, समझ में आएगा, इसलिए डाइकॉट कहते हैं। और मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलीडॉन। तो यहाँ पे ये जो कॉटिलीडॉन होता है उसका शेप होता है शील्ड शेप। शील्ड शेप मतलब कैसा, जैसे ढाल, जो युद्ध होते थे उसके अंदर जो ढाल यूज करते थे जो राजा, मतलब जो तलवार से कोई अगर वार करेगा तो वहां पे उसको रोकने के लिए, तो ढाल का जैसा ये दिखता है, इसलिए जो शील्ड शेप कॉटिलीडॉन उसको क्या कहते हैं, कोलेरिजा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा आपको शील्ड शेप दिख रहा है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका नेम्स आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे, आपको इसको ड्रॉ करना है मैक्सिमम, ये कौन से सेल्स है, इसको क्या कहता है, इधर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, ये बीच वाले रीजन को क्या कहते हैं, ये अपर वाले सेल को क्या कहते हैं, तो आपको पूरा जो है प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम इसके अंदर, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। सो अगला जो टॉपिक है अपना वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट क्यों बनता है और सीड कैसे डेवलप होती है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, वो जनरल सी इन्फॉर्मेशन वो आप भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको डायग्राम समझने पड़ेंगे दोनों भी, मोनोकॉट्स की सीड कैसी होती है, डाइकॉट की सीड कैसी होती है। एक जनरल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइकॉट की सीड दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, ओके, डाइकॉट हम जिसको कहते हैं, या फिर डाइकॉटिलीडॉन, डाइकॉट का मतलब क्या है, डाइकॉटिलीडॉन मतलब जिसके दो पार्ट्स गिरते हैं वो होते हैं डाइकॉट, फॉर एग्जांपल सोयाबीन। दूसरा होता है अपना मोनोकॉट। मोनोकॉट क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर ये सिंगल इसके अंदर डिवाइड नहीं होता, एक सिंगल ही यहाँ पे कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद कोई भी प्लांट सीड क्यों बनाता है या फिर फ्रूट क्यों बनाता है, ओके, बहुत सारे यहाँ पे रीजन है। सबसे पहला है कि जो अपना सीड है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, बिकॉज सीड के ऊपर क्या होता है, फ्रूट होता है, इसलिए फ्रूट बनाता है। उसके बाद आगे फ्रूट जो है वो क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है, फ्रूट क्या है, वन ऑफ द एंडोस्पर्म, सीड के ऊपर का पार्ट एंडोस्पर्म होता है जो सीड यूज करता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है।
प्लस उसके बाद ये प्रोपेगेटिंग ऑर्गन भी है, मतलब जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रीड कर से ही आप समझ जाओगे, ठीक है। मेरा क्या काम है, जो आसान है उसको डिफिकल्ट नहीं, जो डिफिकल्ट है उसको आसान बनाना है। तो जो आसान है तो आप इजीली कर सकते हो। तो जैसे इसके अंदर एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चीज, जो कि सीड के दो टाइप्स होते हैं, सीड, ओके। सीड के कितने टाइप है, दो टाइप है सीड। तो कौन कौन से दो टाइप है, दो टाइप है अपना, सबसे पहला है अल्बुमिनस सीड, या फिर हम उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला है एंडोस्पर्मिक, ओके, सीड, और दूसरा कौन सा है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, अभी देखो। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब क्या, एंडोस्पर्म आपको पता है, ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है वो होती है एंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, बिकॉज वो एंडोस्पर्म वो डेवलपमेंट के वक्त वो यूज कर लेता है पूरा, ओके, पूरा खा लेता है, तो वो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्मिक सीड है इसको हम एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं, ओके, एल बी एल्बुमिनस, ब्यूमिनस, और ये जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक इसको हम कहते हैं गाइस एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा बिकॉज वो पूरा वो यूज कर लेगा, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ एंडोस्पर्म नहीं बचा है, इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो ये दो आपको टाइप ध्यान में रखने पड़ेंगे, बाकी सिंपल में बेसिक सी चीज है जो आप कर ही सकते हो। सो नेक्स्ट अपना होता है एक डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी हम क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं, डॉर्मेंसी, ओके, डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी एक ऐसा होता है, इसको इसके डेफिनेशन अगर बोले तो होता है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल एडाप्टेशन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर उसका फिजिकल जो प्रोसेस है उसको अडप्ट कर लेते हैं। अडप्टेशन मतलब क्या, कि वो ऐसा कंडीशन, अभी डॉर्मेंसी क्यों आता है, बिकॉज कुछ ऐसा कंडीशन, एक एनिमल है, फ्रॉग है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में वो लिव नहीं कर सकता, ओके, सर्वाइवल नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो कंडीशन जाने तक वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा। उसके अंदर ना ही कुछ प्रोसेस चलेंगे, ना ही स्ट्रक्चरल होगा, मतलब क्या, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा, खुद का स्ट्रक्चर, खुद का प्रोसेस। तो किस लिए अडॉप्ट कर लेगा, बिकॉज बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी तो ये डॉर्मेंसी के स्टेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, डॉर्मेंसी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है डॉर्मेंसी। सो अभी लास्टली हमको थ्री टॉपिक्स पढ़ने, सबसे पहला एपोमिक्सिस, देने पार्थेनोकार्पी, देने पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी आपको अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा वन शॉट लेक्चर देख सकते हो चैप्टर फर्स्ट का, जो आपकी मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा भी डाल सकते हो बायो स्टडी विद निखिल चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर, तो आपको दिख जाएगा वीडियो, ठीक है, डेढ़ घंटे के आसपास वो वीडियो, उसके अंदर हमने डिटेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझाना, इजी कंसेप्ट है। पहला है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के थ्री टाइप्स होते हैं, और पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और उसके बाद होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये थ्री टाइप्स का एपोमिक्सिस होता है, लेकिन एपोमिक्सिस क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको डिटेली पढ़ना है तो वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहला एपोमिक्सिस, ये है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कि जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और उससे अगर एम्ब्रियो बना है तो वो जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, वो फिनोमिनन को, प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो बनता ही बनता है, लेकिन एक ऐसे भी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो नहीं बनता, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। उसके बाद पार्थेनोकार्पी, ये दोनों को कंपैरेटिवली ध्यान में रखना है। पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने का काम ही नहीं, डायरेक्टली फ्रूट बन जाएगा। हमको पता है फ्रूट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, तब सीड भी बनता है सीड। अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे सीड भी नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम सीडलेस फ्रूट जिसको कहते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल पपाया, अगर आपने खाया होगा तो वहाँ पे सीड कुछ ऐसे पपाया होते जहाँ पे सीड ही नहीं होता,
तो वो पार्थिनोकार्पी करके ये हम कुछ केमिकल डाल के पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा वहां पे उस फ्रूट के अंदर सीडी नहीं होगा, ताकि उसको हमको निकालने का काम नहीं, हमको खाने के लिए थोड़ा समय बचेगा, वही हम चाहते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है पार्थिनोकार्पी के अंदर। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो बनता है, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट तैयार होता है, फ्रूट। ओके, ध्यान में रखना, यहाँ पे फ्रूट डेवलप होता है गाइज, यहाँ पे क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो। ओके, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पार्थिनोकार्पी में है फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, और पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मतलब होता है मेनी, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, अगर मोर देन वन एम्ब्रियो बने हैं सीड के अंदर तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये सबसे पहले सिट्रस जीनस के अंदर पाया गया, ये सिट्रस जीनस, जिसके अंदर लेमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेमन, लेमन का आपने फ्रूट देखा होगा, उसके अंदर मैक्सिमम सीड मिलते हैं, और सीड मतलब ही क्या है, वो एम्ब्रियो है, तो वो मोर देन टू है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। सो पॉली एम्ब्रियोनी के अगेन दो टाइप होते हैं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी और क्लेवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, वो आपको ध्यान में डिटेल में पढ़ सकते हो आप वन शॉट वीडियो देख के। तो गाइज ये था, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ये पूरा लास्ट तक हमने ये टॉपिक को लिया। सो गाइज इसके बाद जो है आपको पूरा अगर चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ाऊंगा ग्लास बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो ये चैप्टर्स पढ़ा के रख दिए, वो भी आप देख सकते हो, आपके रैप सॉन्ग्स कंप्लीट करेंगे हम, प्लस आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो वहाँ पे आपको टॉपिक्स उसके पढ़ाए जाएंगे ग्लास बोर्ड के ऊपर, और आपका जो वन शॉट लेक्चर्स है वो भी आगे बढ़ाएंगे हम, 8 नंबर चैप्टर 8 का वन शॉट लेक्चर, 9 का वन शॉट लेक्चर, 10 का वन शॉट, 11, 12 का, वो भी हम चैप्टर का कंप्लीट करेंगे वन शॉट लेक्चर, आपके रैप सॉन्ग कंप्लीट करेंगे, और IMP टॉपिक्स आपके यहाँ पे लिए जाएंगे, जो कि आपको स्ट्रेटजी वीडियोस भी बना के देंगे। तो गाइस ये था इस वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।